दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत आज से दो और रियायतें दी गई हैं। मेट्रो की येलो लाइन शुरू करने के बाद आज से ब्लू और पिंक लाइन भी मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया, यानी दो और रूटों पर मेट्रो सर्विस आज से शुरू हो गई है। इन दोनों मेट्रो लाइनों के शुरू होने से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्लू लाइन आप कनेक्शन सीधा नोएडा से द्वारका तक है और उसके बाद आप वैशाली तक यहाँ पर ये रूट आती है। इसके अलावा आज से लोग रेस्टोरेंट, होटल, पब या बार में बैठकर शराब और बियर भी पी सकेंगे, ये छूट भी आज से दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, बताइए, ये जो दो और रूटों पर मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है, इसमें और क्या डिटेल जानकारी है? क्या सफर का जो टाइमिंग है वो भी बढ़ाया गया है मेट्रो परिचालन का, और क्या अपडेट है आपके पास इसके अलावा? जी देखिए, आज दिल्ली वासियों ने काफ़ी राहत की सांस ली है क्योंकि आज दो और मेट्रो की लाइंस को रीओपन कर दिया गया है और ये लगभग 170 दिनों के बाद दो इंपॉर्टेंट लाइंस यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन को आज वापस खोल दिया गया है। तो जहाँ तक टाइमिंग की बात आती है, अभी भी मेट्रो दो शिफ्ट में ही ऑपरेट कर रही है, सुबह 7 से 11 और शाम के समय 4 से 8 के बीच में। और जैसे कि पहले जब येलो लाइन को खोला गया था उस समय जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे वही प्रोटोकॉल्स मैंडेटरी हैं इन्हीं लाइन्स में भी फॉलो करने के लिए। फिलहाल मैं दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ और ये कि आप जैसे देख सकते हैं कि मेजर एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में और यहाँ पे काफ़ी इंटरचेंजिंग पॉइंट्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो तैनात हैं यहाँ पे, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क बांटे जा रहे हैं, क्यू अप करा जा रहा है। और दूसरे हाथ पर जो एसिम्प्टोमेटिक है उन्हीं को अंदर घुसने की अनुमति दी गई है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो टाइम टू टाइम हर 10-15 मिनट में एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने की बात कर रहे हैं और सैनिटाइजर्स को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम लाइन है। और अगर आपको एक और बात बताऊँ तो जो दिल्ली मेट्रो की जो दो नई लाइन्स खोली गई हैं ये दो लाइन्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों लाइन से खुल जाने के बाद 9 इंटरचेंज जो स्टेशन हैं, मेजर इंटरचेंज स्टेशन हैं, उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो जो जिसको ट्रैवल करना है दिल्ली में उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब मैं अगर आपको दूसरी खबर की मैं बात करूँ तो दूसरे हाथ पर दिल्ली में आज बार्स और पब्स में अल्कोहल सर्व करने का भी परमिशन मिल गई है, लेकिन ये काफ़ी राइडर्स के साथ आती है। सारे ही बार्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को बोला गया है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी से नीचे ही आप लोगों को अलाउ करेंगे अंदर एंटर करने के लिए। और दूसरे हाथ पर अगर आप बड़े ग्रुप में जा रहे हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है आपको बड़े ग्रुप में जाकर आपको एंट्री मिले। और जब आप एक किसी भी एरिया के अंदर आप घुसते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। और अगर आपको गलती से भी अगर आपने कफ करा या आपने स्नीज करा तो आपको वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं मानेंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है जिसको किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है कोविड का या किसी तरह के वायरल का, उसी को अंदर घुसने की अनुमति दी जाएगी। और एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अंदर रेस्टोरेंट या बार के अंदर उन लोगों को ही अल्कोहल सर्व करी जाएगी जिनके पास एक सीटिंग होगी। अगर आप खड़े होकर आप अल्कोहल लेना चाहते हैं आपको वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो दिल्ली सरकार और DDMA ने मिलकर बात करी है। तो मैं फिलहाल आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली वालों के लिए काफ़ी बड़ी राहत है, दो मेट्रो लाइन्स और खुल गई हैं और कुछ ही दिनों में दिल्ली मेट्रो की जितनी भी सर्विसेज हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ और एक अच्छे सेफ एनवायरनमेंट के साथ 12 तारीख को दिल्ली मेट्रो की सारी लाइन्स को भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।